राम राम साहब, राम 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 साहब, बैठो। कार नाम का वो घर बाल बच्चे आ रही तो सब ठीक है? फसल वसल और क्या का है? घर सब ठीक है और खेती बाड़ी भी अच्छी चल। हमारी फसल कमजोर रहेगी तो फिर कोई जानकारी देता बताओ खाद की तो मान अभी दो। चिंता कर भाई, कोई जरूरत को ना, ये बीमारी तो माँ कभी हुई थी खेत में जो मैं गेहूँ के मायने वो दिया था जीवामृत। चलो थान बार बताऊँ तू बना रहा आपने जरूर के जो जीवामृत बनावा के लिए बताया थे वो अपन काय काय सामग्री चाहिए? एक किलो बेसन, एक किलो गुड़ और 5 किलो गऊ मित्र और 5 किलो गोबर और 1 किलो मिट्टी। यो छे 5 किलो गौमूत्र, यो छे 1 किलो गुड़, यो छे 1 किलो बेसन, या छे उपजाऊ खेत की 1 किलो गार, यो छे 5 किलो ताजा गोबर, ये छे 6 लीटर पानी की। यो छे 1 किलो गुड़। एक किलो बेसन, यो से 5 किलो बेसन, यो गोबर, यो से 5 किलो गौमूत्र, 1 किलो, 1 किलो है खेत की मिट्टी से। दिन में 3 बार गोलनी छे और छाया के मायने रखनी छे। 4 दिन बाद में खेत में देनी छे। 4 दिन तक इन्हें उड़सुड़ हिलानू छे और ढक्कर रखनू छे। ये 4 दिन के बाद ही जीवामृत तैयार होगा, इसको 4 दिन बाद देना। ये जीवामृत आप बना लिया लेकिन आप आने के साथ काय सावधानी रखनी चाहिए? एक बार तैयार किया गोल में परसों पानी न डाल लू। दिन में 4 बार उड़ो और सुड़ो लकड़ी से हिलानू चाहिए। 3 दिन तक सुबह शाम और दोपहर में 3 बार हिलानू चाहिए। जानवर बीमार न होने उनको ताजा गोबर डाल। इन्हें कान का अमूल लेना चाहता आप न पानी पाते टेम डोरा में डालनो छे। अगर टंकी सु डोरा सु न दे तो टंकी सु भी छिड़क सके। अगर टंकी सु देव न तो इन्हें छान देनो छे जीवामृत। यो जीवामृत 2.5 बीघा के लिए देनो छे। तो आप पानी जीवामृत सु काय काय फायदो छे? एक तो फसल बढ़ेली आपने, एक बीमारी कम हो, जमीन की ताकत बढ़ेली। यूरिया डीपी में बीमारी आओ छे उनके यूरिया डीपी से काम ज्यादा कर लो। ये जीवामृत बनाए सन इस बीमारी भी न आवे और खर्चो भी कम हो जाए। जो ते जीवामृत बनाव सिखाया माने उनको लेता बहुत बहुत धन्यवाद। चला था साहब, राम राम मान जो सर। राम राम।